Citylive, a platform to sharing your thoughts. गवर्नमेंट गेटवे फूड फेस्टिवल के थर्ड एडिशन का आयोजन 9 से 13 अक्टूबर तक राजधानी जयपुर में हो रहा है। क्या खास बात रहेगी, क्या हाइलाइट्स रहेंगे इस फूड फेस्टिवल के, इस पर बातचीत करने के लिए इसके संस्थापक और आयोजक दुष्यंत सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या फीचर्स रहेंगे, क्या आकर्षण रहेंगे इस बार इस फूड फेस्टिवल के? इस बार जो फूड फेस्टिवल है 5 दिन का है और इसके अंदर सारी मिला के 13 एक्सपीरियंसेस होंगे लोगों के लिए, जिसमें कुछ मास्टर क्लासेस होंगी, कुछ फूड टॉक्स होंगी और जो हमारा गाला इवेंट होता है वो नंद महल जो पहले से वहाँ पर होगा, जो तकरीबन 450 से 500 लोगों का इवेंट होता है। ये थर्ड एडिशन है, जो पिछले दो एडिशन है कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये बहुत एक्सपीरियंस बेस्ड फेस्टिवल है, तो हमको वही लोग चाहिए होते हैं जो खाने को समझें, खाने को इज्जत दें और जो जिनको पता है कि एक अच्छा खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो ये फेस्टिवल जो है उन लोगों के लिए एक हमारी तरफ से थैंक यू है, जो शेफ्स हैं जो अपनी बहुत मेहनत से एक अच्छा खाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम इस तरीके का एक इवेंट करें जहाँ जो भी लोग शेफ हैं, जो बड़े बड़े शेफ हैं या जो लोग नए इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिले और जो उनको आता है उनको वो दुनिया को बताने का मौका मिले। राजस्थान और जयपुर की एक फूड की एक पहचान है, यहाँ पर एक परंपरा है अच्छे फूड की, इसके साथ साथ इसमें क्या फ्यूजन भी होगा, जो लेटेस्ट इनोवेशंस हैं और ख़ास तौर से इसमें बिजनेस और जॉब दोनों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, नई रिसर्च, नया इनोवेशन, ऐसा भी कुछ होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जितना ग्रोथ फूड इंडस्ट्री में आई है शायद और किसी इंडस्ट्री में नहीं आई है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारे शहर में कितने नए रेस्टोरेंट्स और होटल्स का उद्घाटन हो रहा है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रो हो रही है, बट वहीं पर सबको ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जो हो रहा है वो अच्छे स्तर से हो और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि खोलना किसी भी चीज़ को बहुत आसान है बट उसको लंबे समय तक चलाना बहुत मुश्किल है। उसमें बहुत मेहनत लगती है, आपकी टीम की बहुत मेहनत लगती है और आपको रोज़ सीखना पड़ता है नई नई चीज़ों को, जिससे कि आप उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक चला सकें। तो ये हैं दुष्यंत सिंह, इनका कहना है कि पिछले दो फूड फेस्टिवल काफ़ी सक्सेस रहे और इसके बाद ये थर्ड एडिशन है और इसके बाद राजस्थान में ख़ासतौर से फूड इंडस्ट्री को एक नया मुकाम हासिल होगा। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, सिटी लाइव जयपुर। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।